Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel with this sick and ugly face. Even the voice is so bad today. Bilkul ending days chal rahe hain and main bahut 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 zyada thak gayi hu. Literally matlab I don't know mere baby ne Allah taala ke sath milke kya plan kiya hua hai ki abhi aa hi nahi raha hai, mood hi nahi hai. To khair scene ye hai ki aajkal meri tabiyat bilkul matlab bilkul ending days hain. The baby can come any time because मेरा last week चल रहा है, even due date वाला last week चल रहा है. तो I'm just waiting patiently. सबर का फल मीठा होता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा भी मीठा होगा. और उसके अलावा ये कि अभी last 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है. Not that pregnancy वाली मेरी तबीयत, मुझे diarrhea हो गया, तो like इतनी शदीद वीकनेस हो गई. फिर उसके बाद अब मुझे फीवर बार बार आ रहा है जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है. आई लिव इन पंजाब साइड, तो यहाँ काफ़ी ठंड है. ठंड की वजह से फ्लू, फीवर, कफ ये सब हो रहा है. तो काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं. मेरी शक्ल भी बहुत ख़राब हुई हुई है. मेकअप शेकअप का कोई मूड ही नहीं होता है बिल्कुल, कि मैं इवन टिंट भी लगा लूँ कुछ नहीं करती. तो खैर, बट आई हैड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैंने सोचा कि मैं बेबी के आने से पहले ही ये बना लूँ. आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर माई बेबी स्टफ, दिस वार्डरोब एंड दिस कॉट दैट आई एम गोइंग टू शो. अभी दिखाती हूँ मैं. हमारे लकड़ी वाले ने भी हमें बहुत ख्वार किया है इसके पीछे. है बोथ द थिंग्स आर हियर फाइनली, एंड कैरी कॉट भी मैं इसमें दिखा दूंगी बिकॉज मैंने लास्ट बेबी शॉपिंग वाले वीडियो में नहीं शो की थी वो. तो आई एम गोइंग टू शो दीज. और ये मैंने इसलिए बनवाई बिकॉज मैं पहले कॉट दिखाती हूँ. कॉट में पहले मैंने स्टोरेज रखवाया था एंड वी डेंट हैव एनी प्लान्स टू गेट अ वार्डरोब. लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि कॉट जो है ना ऑलरेडी बड़े साइज़ की है, मतलब बड़ा साइज़ का एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है. तो अगर हम उसमें और स्टोरेज रखवा दें तो वो और बड़ी हो जाएगी एंड वो बेबी की नहीं लगेगी, फिर वो हमारे बेड के साइज़ की ऑलमोस्ट हो जाएगी. तो आई डिडंट वांट दैट. फिर मेरे दिमाग में आया बिकॉज मुझे वार्डरोब्स का बहुत शौक है. लाइक लिटरली मुझे वार्डरोब्स का बहुत शौक है. मुझे होता है कि मेरे कमरे में जितनी वार्डरोब्स हो कम है मुझे, बस क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है एंड आई लव ऑर्गेनाइजिंग. मुझे होता है खुला खुला समेटा हुआ सब कुछ रखा हो. तो फिर मैंने अपने बेबी के लिए वार्डरोब भी बनवा ली. तो ये दो चीज़ें दिखाती हूँ और उसके साथ साथ कैरी कॉट भी दिखाती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद द कॉट. तो दिस इज़ द वार्डरोब एंड कॉट. ये हमारा पूरा बेबी का सेट है. मैं वार्डरोब को पहले दिखा देती हूँ खोल के. ये हमने कस्टमाइज्ड बनवाई है, मतलब मैंने डिज़ाइन भेज के फिर इस तरह से बनवाई है. ऊपर रॉड लगवाया है टू हैंग द क्लोथ्स. और अभी इसके अंदर यहाँ पे शेल्फ नहीं है, शेल्फ आएगी उसके. मैंने ये लगवा लिया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं. खैर, इसके ऊपर एक शेल्फ आएगी बिकॉज आई फेल्ट कि ये पोर्शन ज़्यादा बड़ा हो गया है. इसमें बेबी के क्लोथ्स तो आधे ऊपर ही रह जाएंगे, तो नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस होगी. बिकॉज मैंने जो उनको डिज़ाइन दिया था उसमें ड्रॉर्स थे 3, बट वो थोड़े बड़े बड़े थे, मतलब थोड़े मोटे साइज़ के थे. लेकिन उसने स्मार्ट से ड्रॉर्स बना दिया और ऊपर काफ़ी स्पेस छोड़ दी, तो इसलिए मैंने शेल्फ का ऑप्शन फिर एंड में डाला. एंड आई टोल्ड हिम कि शेल्फ लगा दें यहाँ पे. तो यहाँ पे एक शेल्फ आ जाएगी, तो इस तरह से एक पोर्शन और हो जाएगा. देन नीचे ड्रॉर्स हैं, 3 ड्रॉर्स हैं, तो अच्छी खासी स्टोरेज है. द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड. तो इस तरह से ये एक वार्डरोब है. एंड अभी तो वीडियो में शायद इतनी पता ना लग रही हो इसका साइज़ क्या है, बड़ी लग रही है, बट इट्स नॉट दैट बिग स्पेशली कम्पेयर टू दिस वन. और जो हमारा कारपेंटर था जिसने ये वाली वार्डरोब बनाई थी, हमने उसी से बनवाई है. तो हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी, उस हिसाब से हमें ये उतनी, मतलब हमें लग रहा है कि थोड़ी सी उसने जल्दबाजी में बनाई है बिकॉज कोइंसिडेंटली ही हैड हिज ओन बेबी तो कुछ दिन पहले ही. तो उसने ज़रा उसका फोकस उस साइड ज़्यादा था हमारी चीज़ों से ज़्यादा, बट स्टिल ओवरऑल लुक के हिसाब से आई लव बोथ ऑफ दीज. सो दिस इज़ द कॉट. ये हमारे बेबी की कॉट है. अच्छा, उसके अंदर हैंगर्स पड़े हुए हैं अभी बिकॉज मैं रात को कुछ स्टफ़ ऑर्गेनाइज करने लगी थी. ये वीडियो में टुकड़ों में बना रही हूँ, मैं कुछ क्लिप्स कल ऑलरेडी ले चुकी हूँ. तो खैर, ये कॉट है. अब मैं इसको किस तरह दिखाऊँ अकेले. खैर, हमने थोड़ा सा स्टोरेज रखवा लिया बिकॉज ये वाला जो है ना पार्ट, इसके अंदर डाइपर्स पड़े हुए हैं. एक ड्रॉयर ये है और दिस इज़ अनदर, आउच, दिस इज़ अनदर ड्रॉयर.
ये दो ड्रॉर्स क्योंकि इसी वार्डरोब सॉरी कॉट के साइज में ही आ रहे थे, तो मैंने ये दोनों रखवा लिए, वरना उससे पहले हमारा प्लान था इस साइड, यस इस साइड यहाँ पे एक कैबिनेट और ऊपर एक ड्रॉर आ जाए, बट देन हमने उसको कैंसिल कर दिया एंड फिर हमने ये वार्डरोब बनवा ली। तो ये कॉट ऐसी है और इस कॉट में कुछ यहाँ पे है रेलिंग वगैरह आई थिंक। इसको यहाँ से खोलते हैं, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है, शेयर ही करते हैं जो करते हैं। ये ऐसे खोल दिया एंड इस साइड से भी, यस ये खुल गई। और फिर इसको स्लो स्लो करके, स्लो फास्ट कैसे करना है, ओह गॉड मुझे नीचे नहीं जा रही है वो, मुझसे इसलिए नीचे नहीं जा रही थी कि मैंने ड्रॉअर ही पूरा बंद नहीं किया था, मैं इतनी पागल हूँ। अच्छा खैर, ये इस तरह से इसकी जो रेलिंग है वो नीचे हो जाती है, सो दैट इस कॉट को जब मुझे अपने बेड के साथ लगाना हो इधर, तो मैं इसको ईजिली लगा सकूँ, बिकॉज हमारे बेड पर ऑलरेडी बिल्कुल जगह नहीं होती है। मैं और शरीर दोनों, हम दोनों को खुला खुला सोने की आदत है, हम एक दूसरे को ही धक्के दे रहे होते हैं, तो फिर बेबी की जगह तो बनेगी नहीं, उसको हमें शुरू से इसमें सुलाना पड़ेगा। तो खैर, दिस इज़ द कॉट, ये हमने इस तरह से बनवाई है, मैंने उसको कस्टमाइज डिज़ाइन दे के फिर ये बनवाई थी। और नीचे मैंने व्हील्स लगवाए हैं, बैक साइड पे नॉर्मल व्हील्स हैं, इधर जो व्हील्स हैं ना वो ये वाले हैं, जो ये वाला जो पार्ट है, मैं इससे बता देती हूँ, जब ये नीचे होता है तो ये फिर मूव नहीं करती है कॉट, जब मूव कराना हो तो इसको ऊपर करके कॉट को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और इसका सीन ये है कि अभी हमने इसको रूम में यहाँ रखा हुआ है, इस जगह पे ये मेरे रूम का डोर है और इधर रखा हुआ है, और अभी रूम बिखरा हुआ है, बट खैर ये भी आ जाएगा, तो फिर मैं अपना लैपटॉप टेबल बेड के नीचे यहाँ कहीं भी कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको कॉट को इधर शिफ्ट कर दूंगी, मतलब नहीं पड़ी यहीं पे रहा करेगी, बट रात के टाइम इसको मूव करके इस साइड ले आया करूँगी बेड की साइड, एंड सुबह फिर सफाइयों के टाइम ये इधर आ जाएगी अपनी जगह पे। सो दीज वर द टू थिंग्स। अब मैं दिखाती हूँ आपको कैरी कॉट, दिस इज़ द कैरी कॉट, ये 2-in-1 है, कैरी कॉट है प्लस कार सीट है जिसमें बेल्ट वगैरह भी हैं, और इसके अलावा ये मूव भी अच्छा करती है, मतलब इसकी शेप ऐसी है कि ये बहुत ईजिली इवन ये मेट्रेस पे मूव कर रही है, बिकॉज कुछ होती हैं जो सिर्फ कार सीट्स होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, बट ये अच्छा मूव कर रही है इवन बेड पे भी, मतलब मेट्रेस पे भी। एंड मुझे बर्बेरी प्रिंट पसंद था तो आई गॉट दिस बर्बेरी प्रिंट वाली। सो दिस इज़ अ कैरी कॉट एंड कार सीट। अब इसको भी यहीं पड़े रहने देती हूँ। ये जो मेट्रेस है ना, मैं इसका बताना भूल गई थी, मेट्रेस हम लोगों ने जो है ये डायमंड सुप्रीम्स आई थिंक लिया है, और ये भी कस्टमाइज स्टैंडर्ड साइज पे हमने बनवाया है, एंड दिस इज़ फुल हार्ड वाला जो होता है, क्योंकि बेबी को हार्ड वाला मेट्रेस ही चाहिए होता है, एंड इवन हम अपने लिए भी ऑर्थो यूज़ करते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स भी इवन ऑर्थो रिकमेंड करते हैं, तो ये वाला मेट्रेस है, इस पर भी सिर्फ उन्होंने जो कवर चढ़ा के दिया वही है, तो इस पर बेडशीट वगैरह या मेट्रेस प्रोटेक्टर कुछ भी नहीं है अभी। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा लंबी शायद ये नहीं हुई होगी, एंड आई पर्पजली डिडेंट डू दैट, बट मेरा पर्पज था सिर्फ मैं दिखा दूँ, एंड मैंने दिखा दिया है प्रॉपरली। एंड अगर आप सबको किसी को भी वो इंस्परेशन चाहिए हो इसमें से, तो यू गाइज कैन टेक पिक्चर्स या स्क्रीन शॉट्स कुछ भी, तो वो आपके ऊपर है, एंड दैट वॉज इट, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।